नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हांडी चिकन बनाने का आसान तरीका। आप अपने घर में इस तरीके से हांडी चिकन बना सकते हो, वह भी स्वादिष्ट कम तेल में हल्की आंच में। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बता देता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। 1 किलो चिकन लें और उसमें 800 ग्राम के करीब प्याज लें। प्याज को आपने बहुत बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा मोटा आप काट सकते हो। और इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च। इसमें दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपने तेज पत्ता लेना है, दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च, जीरा, ये आपको गरम मसाला दुकान में आराम से मिल जाएगा। ये 5 रुपए का पैकेट आता है, इसमें गरम मसाले होते हैं, तो ये साबुत गरम मसाला है, इसको आपने लेना है। तो इसको आपने पहले गरम तवा में गरम कर देना है, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर देना, आपने इसको थोड़ा पका देना है। तो ये दोस्तों लगभग ब्राउन हो चुका है, तो इसको आपने अपनी ओखली में इसको कूट लें। बहुत बारीक कूटने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा ये गरम मसाला भी तैयार हो गया है, इसको हम एक कटोरी में निकाल देते हैं और जितनी जरूरत होगी उतना ही डालेंगे। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा है। अदरक और लहसुन को भी आप कूट लें, इसको थोड़ा सा आप बारीक कर लें, बहुत ज्यादा इसको भी बारीक करने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों एक करछी छोटी वाली तेल लें, बहुत ज्यादा तेल लेने की जरूरत नहीं है, और उसको अच्छे से गर्म करना है। जब तक उसमें थोड़ा सा धुआं आने न लग जाए तब तक उसको गर्म करना है। और मसाले में आपने इसमें धनिया है और जीरा पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी है, और हम इसमें अब कश्मीरी लाल मिर्च भी आधी चम्मच मिला देंगे। हल्दी इसमें थोड़ा सा कम है तो थोड़ा हल्दी में और इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब चिकन मसाला भी डालूंगा। ये चिकन मसाला आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा, तो कम से कम 2 चम्मच डालूंगा और इसको आपस में मिला दीजिए। तो ये हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। तो ये दोस्तों सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। चिकन है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, मसाले, लहसुन थोड़ा छोटी है तो मैं 4 ले रहा हूँ, आप बड़ी हैं तो 2 भी डाल सकते हो, अदरक, तेल, ये कूटा हुआ हमारा जो मसाला हमने कूटा था ये रहा। तो ये हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब रेडी हैं। तो आप एक पतीला लें, उसमें प्याज डाल दें। तो ये प्याज थोड़ा सा ज़्यादा था तो थोड़ा मैं उतना ही डाल रहा हूँ जितनी इसमें ज़रूरत है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काट रखा है तो उसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट आप पूरा डाल दें, कम से कम 2 चम्मच होनी चाहिए, और ये लाल मिर्च आप 4 डाल दें। तो आप स्वादानुसार इसको बड़ा घटा भी सकते हैं। और ये आपने जो मसाले तैयार करे थे तो ये मसाले आप इसमें डाल देंगे, कम से कम 3 चम्मच। तेल भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं कम तेल में बनाना चाह रहा हूँ तो मैं और कम तेल इसमें ऐड करूँगा। और लहसुन ये मैं 4 डाल दूंगा क्योंकि थोड़ा छोटे हैं, तो मैं 4 डाल दूंगा, आप 2 डाल सकते हो। और ये तेज पत्ता और ये दालचीनी, इसको कूटना नहीं है, इसको ऐसे डालना है। और ये जो गरम मसाले हमने गरम करके थोड़ा सा कूट लिए थे तो इनको भी आप कम से कम 2 चम्मच डालें। दोस्तों इसको अच्छे से मिला दें, आप इसको चम्मच से भी मिला सकते हैं लेकिन हाथ से अच्छा मिलेगा, तो आप हाथ से ही मिलाएं इसको।
और इसमें स्वादानुसार आप नमक भी डाल दें। तो ये अच्छे से आपस में मिल चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिलाना है दोस्तों। ये कम से कम आप इसको 5-7 मिनट अच्छे से इसमें मिला दें। ये हमारा अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम एक हांडी लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि हमारा मसाला और चिकन इसमें चिपके ना। ये थोड़ा सा टूट भी रखा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ये आपको मिट्टी के बर्तन जो बेचते हैं उनके यहाँ आराम से मिल जाएगा। तो नीचे आप थोड़ा सा मसाला डालें, उसके बाद आप सारे जो मसाला आपने मिक्स करा था इसमें भर दें और एक मिट्टी का कटोरा लें, उसको सील कर दें आटे से। तो सील आपने दोस्तों अच्छे से करना है, कहीं से इसमें हवा पास नहीं होनी चाहिए। ये हल्की आंच में पकेगा और इसको अच्छे से चेक कर लें कि कहीं से भी ये लीक ना करे। तो आपने इसको कम से कम आधा घंटा चूल्हे में हल्की आंच में रखना है और हर 10 मिनट में इसको थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने से पहले आप गैस को थोड़ा सा बंद कर दें और इसको हर 10 मिनट में हिलाना है। तो आधे घंटे में आपने इसको 3 बार हिलाना है ताकि इसके नीचे का जो मसाला है चिकन है वो जले ना। अब दोस्तों इसको हम हल्की आंच में तवे के ऊपर रखेंगे। कम से कम आधा घंटा इसको हल्की आंच में तवे के ऊपर रखना है। अब दोस्तों आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पक गया है कि नहीं पका है। वैसे 1 घंटा काफ़ी होता है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और चेक करके देखते हैं। अगर ये पक गया है तो ठीक है, नहीं पका है तो आप 10 मिनट और इसको पका सकते हो हल्की आंच में। ये देखिए दोस्तों इसका कलर देखिए, और मुझे तो लग रहा है ये पक गया है। एक बार चेक कर ले तो हाँ ये पक गया है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है दोस्तों, हांडी चिकन, वो भी चंपारण वाला। आप भी दोस्तों अपने घर में इसको आराम से बना सकते हो। बर्तन आपको मिट्टी वालों के यहाँ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट चिकन तैयार हो गया है। ये बिल्कुल चंपारण स्टाइल में बनाया है मैंने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसे लगा, आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।